Good morning, students. You are welcome to RC Education Hub. Today we will talk about androecium and gynoecium. Androecium is gynoecium. Okay. So first of all, we'll talk about androecium. कि androecium होते क्या हैं? अपने देखा है कि फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं स्टैमेन, दैट इज नोन एज स्टैमेन. स्टैमेन इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. नंबर वन इज बायलोब्ड स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज एंथर, एंड नीचे जो उसकी पाया जाता है दैट इज नोन एज फिलामेंट, and that structure is known as stamen. और stamens को collectively अपन क्या बोलते हैं? Androecium. Stamens को collectively अपन क्या बोलते हैं? Androecium. Stamen is consist of two parts, anther and filament. Anther जो है filament से connected होता है, और ये जो anther है that is bilobed structure. कितने lobes से मिलकर consist हो रहा है ये? Two lobes से. You can observe this is one lobe, this is second lobe. This is bilobed structure. This is bilobed structure, right? दोनों lobes आपस में जुड़ी हुई हैं. इन दोनों lobes के बीच में जो structure पाई जा रही है that is known as connective. That is known as connective. Anther एक bilobed structure होती है जो कि दो लोब से मिलकर कंसिस्ट हो रही है, और दोनों लोब आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे हैं? कनेक्टिव बोल रहे हैं. एंथर के जस्ट नीचे फिलामेंट पाया जाता है, और जो दोनों लोब होती हैं इन दोनों लोब ईच लोब के अंदर दो चैम्बर होते हैं, तो दोनों लोब के अंदर टोटल कितने चैम्बर हो गए? फोर चैम्बर्स. और ये जो फोर चैम्बर्स हैं इनको पोलन सैक भी बोलते हैं, और इन पोलन सैक के अंदर क्या फॉर्म होते हैं? पोलन ग्रेन्स विच आर अ काइंड ऑफ मेल गैमेट्स. फिर से अपन देखते हैं कलेक्टिवली स्टैमेंस आर नोन एज एंड्रोशियम. स्टैमेंस आर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर इज अ बायलोब्ड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स. Both lobes are connected by the help of connective, and in the both lobe, each lobe is containing two chambers. So there are total four chambers, and the four chambers are known as, each chamber is known as pollen sac, and in pollen sac, pollen grains are formed. Pollen grains are formed, and these pollen grains are known as a kind of male gametes. These are a kind of male gametes. Alright. अब अपन देखते हैं कि जो ये जो stamen है, stamen के अंदर male gametes भी form हो चुके हैं, but ये जो stamen है इसको फिर further या फिर androecium को further आगे चलकर दो category के अंदर divide कर रखा है. Number one is epipetalous, and number second is epiphyllous. Epipetalous का मतलब क्या होता है? If the stamen is connected with the petals, so that type of condition is known as epipetalous. This is basically found in brinjals. This is found in brinjals, and second है epiphyllous. ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो है स्टैमिन किससे कनेक्टेड होते हैं? पेरियंथ से. अब यहां पे एक नया टर्म आ रहा है कि पेरियंथ क्या होता है. अब ध्यान से सुनोगे पेरियंथ क्या होता है कि अपन ने देखा है कि फ्लावर के अंदर पेटल्स भी होती हैं और सेपल्स भी होती हैं, बट कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर पेटल्स और सेपल्स दोनों क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं. कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर पेटल्स और सेपल्स दोनों क्या पाई जाती हैं? फ्यूज कंडीशन के अंदर पाई जाती हैं. सो दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज पेरियंथ. द पेरियंथ इज अ कंडीशन इन विच पेटल्स एंड सेपल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड. वी कांट डिफरेंशिएट दैट विच वन इज द पेटल एंड विच वन इज द सेपल. दैट कंडीशन इज नोन एज पेरियंथ. तो एपिपेटलस के अंदर तो क्या होता है कि
स्टैमेन इज कनेक्टेड विद द पेटल्स दैट इज फाउंड इन ब्रिंजल्स एंड सेकंड है एपिपाइलस इन दिस द स्टैमेन इज कनेक्टेड टू द पेरियंथ स्टैमेन इज कनेक्टेड टू द पेरियंथ एंड दैट इज बेसिकली फाउंड इन लिली दैट इज फाउंड इन लिली ये बेसिकली अपन को लिली के अंदर देखने को मिलता है ऑलराइट तो ये अपन ने जो है एंड्रोशियम के बारे में बात कर ली है और एंड्रोशियम का जो है ग्रुप भी पाया जाता है जिसके अंदर अपन देखते हैं कि एंड्रोशियम का एक ही बंडल पाया जा रहा है या फिर स्कैटर्ड बिखरे हुए हैं अगर ये आपस में कनेक्ट होकर एक बंडल फॉर्म कर रहे हैं दैट इज नोन एज सिनेंड्रस कंडीशन एंड्रोशियम को फर्दर फिर दो टाइप के अंदर डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट एक तो होता है सिनेंड्रस एंड सेकेंड इज पोलियंड्रस Second is known as polyandrous. Synandrous का मतलब तो क्या होता है कि androshims are connected to each other, stamens are jointed to each other and making bundle. That condition is known as synandrous. अगर stamens एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए नहीं है, that condition is known as polyandrous. If the stamens are free, they are not connected, that is polyandrous condition. If they are connected or fused, that condition is known as synandrous condition. अब synandrous के अंदर भी further type different types आ जाते हैं. One is monodelphous. मतलब कि they are making one bundle वाले condition को बोलते हैं monodelphous. दो bundle बनाते हैं तो उसको बोलते हैं didelphous. अगर दो से ज्यादा बंडल बनाते हैं दैट इज नोन एज पॉलीडेल्फस देखो ये जो एंड्रोशियम में फिर स्टैमेंस है उनको दो टाइप के अंदर डिवाइड कर रखा है कि ये बंडल की फॉर्म में पाया जाता है या फिर फ्री पाए जाते हैं पॉलीएंड्रस और बंडल की फॉर्म में पाए जा रहे हैं सिनेंड्रस इफ दे आर मेकिंग वन बंडल देन मोनोडेल्फस इफ दे आर मेकिंग टू बंडल डायडेल्फस If they are making more than two bundles, that is known as polydelphous. All right. So अपन ने androshim के बारे में बात कर ली है उसके बाद में हम बात करेंगे gynoecium के बारे में फिर से एक बार androshim को revise करता हूँ Then I will erase it. Androshim is a male reproductive part. इसकी जो single unit होती है उसको stamen बोलते हैं Stamen anther और filament से connected होती है Anther जो है एक bilobed structure होती है Each lobe contain two chambers. So there are four chambers. And chambers are known as pollen sacs. In pollen sacs, pollen grains are formed. Pollen grains are known as male gametes. There are two lobes. Both lobes are connected by the connective. Okay. If the stamen is connected by petals, that is known as epipetalous. This is found in brinjal. If the stamen is connected with perianth, that condition is known as perianth. This is found in lily. So we have talked about this. इसके अलावा फिर further stamen दो type के होते हैं. If they are making bundles or if they are fused. If they are making bundles, then these are known as synandrous condition. If they are free, that condition is known as polyandrous condition. If they are making one bundle, that is monodelphous. If they are making two bundles, then it is known as didelphous. If they are making more than two bundles, that is known as polydelphous condition or polyadelphous condition. Now we'll talk about gynoecium. Gynoecium जो है दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट इसकी जो सिंगल यूनिट होती है उसको अपन बोलते हैं फिस्टुल द सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज नोन एज फिस्टुल विच इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट कितने पार्ट से मिलकर कंसिस्ट हो रही है तीन पार्ट से मिलकर कंसिस्ट हो रही है फर्स्ट पार्ट इज स्टिग्मा Second part is style and third part is ovary. Right? Stigma is a flattened structure which welcomes to the pollen grain. ये pollen grains इसका welcome करती है. Pollen grains इसके ऊपर या तो गिरते हैं. Style is a hollow tube-like structure in which pollen grains travel and reach to the ovary. And in ovary, female gametes are formed in the ovule. Female gametes are formed in the ovule. Okay, इसके अंदर ovules पाए जाते हैं और ovules के अंदर female gametes form होते हैं. Alright, इसके बाद में अपन देखते हैं
ये जो गाइनोशियम है इसको फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। अगर मल्टीपल गाइनोशियम पाए जा रहे हैं, ये मल्टीपल वाली कंडीशन है, अगर वो सारे जुड़े हुए हैं दैट इज नोन एज सिनगाइनस, सिनगाइनस कंडीशन और सिनकार्पस कंडीशन। सिनगाइनस भी बोलते हैं उसको और सिनकार्पस भी बोलते हैं। इफ दे आर फ्री देन इट इज नोन एज एपोकार्पस कंडीशन। इफ इन द फ्लावर देर आर मोर देन वन पेटल्स, सॉरी मोर देन वन पिस्टल्स, और इफ दीज पिस्टल्स आर फ्री टू ईच अदर देन दिस कंडीशन इज नोन एज एपोकार्पस। इफ दे आर फ्यूज टू ईच अदर, इफ दे आर जॉइंटेड टू ईच अदर, दैट इज नोन एज सिनकार्पस कंडीशन। All right, so that we have talked about gynoecium. Androecium is male reproductive part and gynoecium is female reproductive part. Both are essential in the flower, essential words, and gynoecium consists of pistils, and pistils are divided into three parts, stigma, style, and ovary. Okay, if the pistils are fused, then the syncarpous condition. If they are free, that is known as apocarpous condition. So today we have talked about androecium and gynoecium. In the next lecture we'll talk about then how the ovules are arranged in ovary. Kis tarike se jo hai ovules ovary ke andar arranged hote hain, kis tarike se inka arrangement paya jata hai. I hope you have understood today's lecture. Thanks, have a nice day.